हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम, और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। तो ये अपडेट उन्हीं सभी बच्चों के लिए रहने जा रही है जो कि SSC CHSC CET के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसकी डेट का, एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है एग्जाम डेट जारी, तो क्या एक्चुअल में एग्जाम डेट जारी हो चुकी है? क्या ऐसा जो दूसरे टीचर्स, दूसरे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि 30 दिन में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो क्या वो सच बात है या नहीं है? उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। आप सब जो लोगों से गुजारिश है कि सारे के सारे बच्चे क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारा जो हरियाणा जीके के अंदर, हरियाणा जीके भी क्यों, मैं पूरे हरियाणा HSC CET के एग्जाम के पैटर्न के अंदर हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को पता है ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए अगर आप लोगों के ये एग्जाम पैटर्न अगर वीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैम बेसिक से तैयारी करनी है मुझे और वो तैयारी हो नहीं पा रही है, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बच्चे, हम लोगों ने अपना एक स्पेशल नया बैच लॉन्च किया है, ये मैराथन के नाम से। हमने इसके अंदर बाकी सारे सब्जेक्ट्स करवाते हैं, मतलब रीजनिंग होती है, मैथ होती है, हिंदी होती है, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, मतलब ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं हम लोग हमारे HSC CET के बैच के अंदर करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बार डिटेल बतानी जरूरी थी। तो एक बार हमारे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं जी बच्चे, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे हम न्यूज़ देख सकते हैं जी। ये आज की ही न्यूज़पेपर की न्यूज़ आई थी, तो आप न्यूज़पेपर में इसके अंदर देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से CET संशोधन बारे में 2 दिन में प्रस्ताव भेजने का कहा। यानी कि जितने भी संशोधन करने हैं आपको, जितना भी चेंजेस करने हैं, आप 2 दिन के अंदर कर दो, क्योंकि फिर बाद में फॉर्म निकलने, प्रोसेस प्रक्रिया वगैरह शुरू होनी, वो सब शुरू हो जाएगी। यानी कि जल्दी ही आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के फॉर्म भरने के साथ में आप लोगों की एग्जाम डेट भी आ जाएगी। तो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और अप्रोक्सीमेटली 30-40 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम डेट के अंदर। तो बिल्कुल अपनी प्रोसेस को स्पीड अप कर लीजिए, फास्ट फास्ट अपने पढ़ाई को जारी कर लीजिए। अब ये भी देख लो, अब इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल है जी बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए जी कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे था जी, आयोग 25 तक भेजे अपनी टिप्पणियां सरकार को। तो देखो बच्चे, सारा कुछ डिटेल बता दी गई है इसके अंदर कि आप लोगों के लिए ये बोल दिया गया है कि अभ्यर्थियों के लिए भी एक न्यूज है जी। यहाँ पे देखिए, क्वालिफाई हो जाए CET अभ्यर्थी, तो बच्चे ये आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल अच्छे से बता दी गई है कि आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 2 दिन के अंदर जो जो संशोधन करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं, वो सारी प्रक्रिया के अंदर चेंजेस कर दो, फिर आप लोगों के 2 दिन बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्म भरना शुरू और सब कुछ शुरू हो जाए। तो बच्चे अगर आप लोग टेंशन में हो रहे होंगे कि मैम अगर सच में ही क्या, अगर 30-40 दिन ही बाकी बचे हैं हमारे एग्जाम के अंदर, तो 30-40 दिन के अंदर इतना बड़ा सिलेबस इतनी जल्दी हम कैसे कवर अप करें, तो चिंता मत करिए, आप लोगों के सिलेबस कवर अप करने के लिए हम लोग साथ देंगे। आप लोगों की जनरल साइंस मैं खुद करवाऊंगी, हिंदी हरियाणा जी की हमारी दीक्षा मैम करवाएगी, बहुत ही क्वालिफाइड है मैम। तो हरियाणा जी के आप लोग दीक्षा मैम से पढ़ सकते हो, बाकी हर एक सब्जेक्ट जो है वो हम लोग आप लोगों को पर्सनली करवाएंगे। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़िएगा और हमारी रेगुलर क्लासेस लगाना शुरू कर दीजिए। जितना आप लोग क्लासेस लगाएंगे, जितने आप लोग मॉक टेस्ट करेंगे, उतने ही आप लोगों की चांसेस जो है क्लियर करने के एग्जाम को, वो ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एक बार हमारे साथ क्लास लगा के देखिए, मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और जितने भी अपडेट्स होंगे हरियाणा CET के रिगार्डिंग, डेफिनेटली रेगुलरली मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगला कोई नया अपडेट आता है या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूज आती है एग्जाम डेट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मैं डेफिनेटली आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम अगले न्यूज के साथ में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।